हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन की मसाले वाली बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। हाँ, इसके लिए मैंने छोटे वाले बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। यहाँ तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले बैंगन की सब्ज़ी है, इसलिए मैंने ये बैंगन लिए हैं। इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये छोटे वाले बैंगन हैं जो छोटे छोटे ही आते हैं, इसकी ऐसे ही सब्ज़ी बनती है। तो आप यही बैंगन लें जहाँ तक हो सके। उस थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है और थोड़ी सी इमली ली है, बहुत ज़रा सी है। आप इसकी जगह सूखी आम की खटाई डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं आधा चम्मच। टमाटर लिए मैंने, 3 पके हुए टमाटर ले लिए हैं और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती है, थोड़ी आधी हरी मिर्च है। आप इसमें लहसुन प्याज का भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं। मैंने बिना प्याज लहसुन के इसको बनाया है। थोड़े से मसाले लिए मैंने, आधी चम्मच राई है, पीली सरसों है और एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, आधी चम्मच धनिया है, अदरक है 1 इंच टुकड़ा और आधी हरी मिर्च है। मिर्च आपने, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद एक हरी इलायची है, एक बड़ी इलायची है और दालचीनी है एक टुकड़ा छोटे से, एक लौंग है मैंने ली है इसमें, और 4 से 5 दाने लगभग काली मिर्च है, आधी चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और आधी चम्मच राई है, पीली सरसों। इन सब मसालों को हम टमाटर के साथ इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने टमाटर को भी जार में ऐड कर लिया है। अब इनका हम एक मसाले और टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए तब तक हम बैंगन को कट कर लेते हैं। बैंगन को हम पूरा नहीं काटेंगे और ना इसकी डंडी को हटाएंगे। हम बैंगन को बस 4 पार्ट में से काट के अंदर देख लेंगे और बस चीरा लगा देंगे 4 पार्ट में, उसको अलग नहीं करेंगे। और उसके बाद हम धनिया को काट लेंगे। बैंगन कट चुके हैं, हरी धनिया की पत्ती भी कट चुकी है। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। देखिए, मसालों का भी पेस्ट बन के तैयार हो गया है। एक पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे, उसमें 1 चम्मच के लगभग ऑयल डालेंगे। मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप जो भी अपने किचन में यूज़ करते हैं उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जैसे ये भुनने के साथ साथ पकता भी रहे, और इसको कवर कर देंगे। अब देख लिए, थोड़ा सा एक साइड में पक चुका है, हम इसे थोड़ा सा पलट देंगे। ये भुनता भी जाएगा और पकता भी जाएगा, इससे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। देखिए, काफ़ी बैंगन पक चुके हैं, भुन चुके हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं और इसी सेम पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच और ऑयल, आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच मेथी दाने डालेंगे। अगर आपको मेथी नहीं पसंद है तो आप सिर्फ जीरा डालें, हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे हम, आप टेस्ट के अनुसार ज़्यादा डाल सकते हैं। आधी मैंने लाल मिर्च डाली है, तेज़पत्ता, हींग, इन सबको थोड़ा सा क्रैकल करके, उसके बाद जो टमाटर और मसालों का पेस्ट बनाया है उसको डाल के अच्छे से धीमी आंच पे हम भून लेंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, बैंगन में भी नमक था तो उस हिसाब से डालें। हल्दी डाल दें आधा चम्मच, धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को धीमी आंच पे अच्छे से भूने। यहाँ इमली जो मैंने ली थी उसको भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा जो जार को धुल के पानी निकला था उसको हम ऐड कर देंगे। और टमाटर अच्छे से पक जाएं इसलिए थोड़ा सा और भी इसको पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बैंगन जो हमने भून के रखा है, फ्राई किया हुआ बैंगन ऐड कर देंगे इसमें। और अच्छे से मसाले की कोटिंग करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम 2 सेकंड के लिए इसको ढक देंगे, जैसे अच्छे से इसमें मसाले का टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको चलाएंगे और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी ग्रेवी की थिकनेस जैसी भी रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी की क्वांटिटी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है। अब फिर इसको कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक बैंगन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और ग्रेवी देख सकते हैं आप, अच्छे से
ग्रेवी थिक हो चुकी है, मसाले सॉफ्ट, बैगन सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसमें कसूरी मेथी और हरी धनिया की पत्ती ऊपर से ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। हमारी बैगन मसाला सब्ज़ी टेस्टी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं और अगर आपने बनाया है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कोई रेसिपी मैं अपलोड करूं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी देखने में ही लग रही है। इसको बच्चे भी खाएंगे, जो आपके बैगन नहीं खाना पसंद करते होंगे वो भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो के साथ, मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।